together at a particular place, a true forest is one in which the tree grows so close to one another that they are compiled to the forest of the world are broadly classified to six types. So, what is forest? These forests have a thick undergrowth of small trees
शीशम के पेड़ होते हैं, ठीक है, ये सब नाम शीशम है, मैं बता रहा हूँ, सुना होगा इस तरीके के पेड़ इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। देर आर ऑल्सो थिकेट्स ऑफ बंबूज, यहाँ पर क्या होता है, बंबूज होते हैं, थिकेट्स बंबूज होते हैं, मैंग्रोव ट्रीज आर फाउंड इन द स्वैम्प्स एंड देयर टाइप रीजंस, मैंग्रोव ट्रीज होते हैं जो कि कहाँ मिलते हैं, स्वैम्प्स एंड देयर टाइप रीजंस में मिलते हैं, ठीक है। द वुड फ्रॉम दीज फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ये जो आप लोगों ने सुना हो, ऐसा होते हैं ना कुछ घर के बड़े लोग, ये चीज शीशम का है इसलिए ये जल्दी से खराब नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कीड़े नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मानते हैं कि जो ये हार्डवुड होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, ये खास करके फर्नीचर बनने के काम में आते हैं, ठीक है। और इससे इससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसके थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट और मटेरियल कंस्ट्रक्शन का मटेरियल से भी बनता है, दिस फॉरेस्ट आर नाउ बीइंग डिस्ट्रॉयड टू मीट द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ द पीपल, ये जो फॉरेस्ट इस टाइप के जो फॉरेस्ट है ये डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, इसलिए ऐसे फॉरेस्ट भी कम होते जा रहे हैं। थर्ड क्या है, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है ये कहाँ पर मिलता है, ये वार्म टेम्परेचर एरिया में मिलता है, ठीक है, अलॉन्ग द ईस्टर्न मैप मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, द मेन एरिया आर साउथ चाइना, साउथ ईस्टर्न यूएसए, ये सब जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसके मेन एरिया है, ठीक है। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ हार्ड, यहाँ पे दोनों तरीके के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है, हार्ड भी मिलते हैं यहाँ, सॉफ्ट वुड भी मिलते हैं। द लोलैंड जनरली हैव मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ कॉन्फिगस एंड डेसिडुअस वैराइटीज, व्हाइल द हाईलैंड्स हैव ओनली कॉनिफेरस ट्रीज, द फॉरेस्ट आर डेंस एंड ठीक है, वॉलनट है, इस तरीके के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद क्या है, कौन सा है, फोर्थ हमारा है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल रीजंस हैविंग अ कूल टेम्परेट क्लाइमेट एंड मॉडरेट रेनफॉल, द मेन फॉरेस्ट एरिया आर इन वेस्टर्न यूरोप, ये जो इस तरीके के जो फॉरेस्ट होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, कोस्टल रीजन्स में मिलते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर और क्लाइमेट कैसा होता है, कूल होता है, जहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसके जो मेन फॉरेस्ट एरिया है ये कहाँ है, वेस्टर्न यूरोप हुआ, नॉर्थ ईस्टर्न चाइना, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, साउदर्न एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये द ट्रीज जनरली हैव थिक ट्रंक्स एंड ब्रॉड लीव्स, इसमें भी क्या होता है, इसके जो है थिक ट्रंक्स होते हैं, ब्रॉड लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, द ट्रीज आर मोस्टली डेसिडुअस, दे शेड देयर लीव्स इन द ऑटम सीजन एंड रिमेन लीफलेस, क्या होता है कि ऑटम सीजन में इनके जो लीव्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, लीफलेस हो जाते हैं विंटर सीजन में, थ्रू आउट द विंटर सीजन।